अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड्स हब, दिस इज़ यावर। और गाइस, आज मैं फिर से आया हूँ दोनार बकरा मंडी में, सैटरडे की मंडी जो कि बड़ी मंडी मानी जाती है। हफ्ते में दो दिन लगती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्यूसडे और सैटरडे को। और यहाँ से कोई जानवर परचेस करके आप निकालते हो तो 100 रुपीज़ चार्जेज है उसके एक जानवर के, और अगर क्वान्टिटी में निकालते हो तो उसमें मोर और लेस कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये लोकेशन फिर से मैं बता दूं, क्योंकि हर बार वीडियोस में नए नए लोग जुड़ते हैं तो लोग पूछते हैं लोकेशन क्या आएगा। ये है मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, देवनार गोवंडी में है। गोवंडी स्टेशन से आप उतरोगे तो एग्जैक्ट सामने ही है, ट्रेन से बाय ट्रेन आओगे तो बहुत इजी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो यहाँ वाले हैं उन लोगों को तो मालूम ही है देवनार क्या चीज़ है बकरेबाजों के लिए, ठीक है। तो आज कल मैं आ नहीं पाया, कल फ्राइडे की मंडी नहीं रहती है। फ्राइडे को मतलब सैटरडे की जो मंडी रहती है उसका माल फ्राइडे को आना शुरू होता है, तो सब जानवर खुले रहते हैं, ये सब बनते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग छाट के अपने हिसाब से इजीली ले सकते हो, बट कल बारिश इतनी थी कि मैं आ नहीं पाया। तो आज देखेंगे कि क्या माल आया हुआ है। सबसे पहले इधर से ही मैं जा रहा हूँ, स्टार्ट करूँ। माशाल्लाह बकरा अच्छा है, ठीक है, आएंगे इसके पास भी बाद में। सबसे पहले चैनल आप लोग से रिक्वेस्ट है, लोग बराबर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स रिवर्स में भी जाते हैं कभी कभार, तो आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि देवनार की इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ल अज़ल लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगी हमारे पास कंटिन्यू आती रहेगी और लास्ट तक की आती रहेगी, ठीक है। और ईद के सीज़न में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को डेली के दिन के 3 वीडियोज़ अप्रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अंदर और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, इतने दिन से गायब ही हो गए भाई, एकदम धंधा पानी आई नहीं धंधा पे रहा। और क्या अब भी देखो, पहला स्टार्ट किया अभी धंधा, पहला बकरा लिया हो देखो। कौन क्या है नस्ल बोलेंगे? ए भाई सिंधी में, सिंधी में, सिंधी में। हाँ। क्या वजन पे रहेगा? रहेगा कम से कम 55 किलो होगा। 55 किलो कितने में देने का? 16,500 16,500 रुपये में? अरे वाह क्या बात है यार, कम में मिला अपन तुमको मालूम है 16,500 रुपये में। नंबर बताओ भाई एक बार। 9004179 16,000 वीडियो में बोले हो? 16,500 वीडियो में बोले। पकड़ के एक सेकंड खड़े रहो, खाली फोटो ले दो, सही से खड़ा रखो उसको। साढ़े सोलह हजार चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सही है सही है, ऐसे ही करो इंशाल्लाह। तो गाइस अभी S6 वाड़ा हूँ, गाला नंबर 8 में हूँ मैं। और ये लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बच्चा दिखाया था, माशाल्लाह लंबे कान में, गुलाबी में, फुल पिंक और अदंत पे बच्चा अभी है, मैंने जस्ट चेक किया उसको, ठीक है। सिंग वगैरह मार्बल, खुर मार्बल, बहुत अच्छा बच्चा है। आई डोंट नो क्या रीज़न की उसे सेल नहीं हुआ, ये अपना समीर भाई का है, ठीक है। आप लोग इधर आइए, नासिर चाचा का वाड़ा है आगे, सब जो बंडू वगैरह है तो उसके बैक साइड में ये है बच्चा। साथ में इधर देखिए फीमेल भी है, लंबे कान में सिंग वाली, ठीक है। इधर समीर भाई का माल रहता है, चीज़ देख लीजिए आप लोग, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अंदर जाना पॉसिबल नहीं है अभी, ऐसी मैंने दांत चेक किया हूँ अदंत पे, बच्चा बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हैदराबादी पतीरा क्रॉस में, वाइट आइज नहीं आई है बस, बाकी दोनों मेल फीमेल की जोड़ी है। जो भी लेने में इंटरेस्टेड हो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये याकूब भाई के बकरे हैं, तारदो पे इनका छोटा सेटअप है, ठीक है। मैं पहले भी इनका बहुत बार शूट कर चुका हूँ, तो अभी ये दोनार में भी कुछ माल बच गया था तो ये लेके आए हुए हैं, सब बकरे आ रहे हैं, ठीक है। तो दो जानवर लेके आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक एक करके प्राइस डिटेल वगैरह सब बताता हूँ बकरों की, ठीक है। इससे स्टार्ट कर लेता याकूब भाई, एक मिनट इधर आइए। जब उन पहले शूट कर चुके भाई, अभी ये कितने में दे देंगे आप? 43 kg वजन करा हुआ है, वीडियो भी है। खस्सी में ना ये? हाँ प्योर खस्सी है। दांत? दांत अभी चार दांत, चार दांत। हाँ चौथा दांत, कोई न्याज हकीका कुछ भी जैसे पर्पस ले लेता है तो। हाँ खस्सी पकड़ा है, चीज़ अच्छी खिलाने पिलाने का, क्योंकि अगर दवा पानी चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा। बराबर। और ये वाला? तीन दांत कर लिया, तीन दांत कर लिया। वजन 40 के आसपास। कितने में देने का वाला? ये
वैसा क्यों 18-500 या 18? अच्छा क्वालिटी में उस हिसाब से मेवाती बोलेंगे ना ये भी? दोनों मेवाती में पंच पीस में ये भी है। हाँ वो भी है। चलेगा। नंबर बताए ना एक बार आपका। 8882800999916। चलेगा, शुक्रिया। तो गाइस इधर एक करौली में कोटा है, माशाल्लाह चीज़ बहुत अच्छी है, लंबे कान में लेंथ वेंथ वगैरह सब अच्छी है, मगर एक इशू है कि बिक चुका है। फिर भी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि दोनार में ऐसी सब चीज़ें भी आप लोग आके परचेस कर सकते हो। कान की लेंथ, चेहरे का रुबाब, सिंग, वजन में जब खड़ा था मेरा अंदाज़ा नहीं भी नहीं 60 kg तक का रहेगा। दांत वगैरह चेक नहीं किया हूँ मैंने। ठीक है, तो आइए चलते आगे, देखेंगे और क्या माल है फॉर सेल वाला, विथ प्राइस इंशाल्लाह वो बताता हूँ। तो गाइस इधर एक मतलब 3 बकरे हैं, बट उसमें से एक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला अजमेरा में अदंत है, दाती है अदंत है, अदंत है, वजन में 45 kg तक के आना चाहिए अजमेरा। राउंड चेहरे का अच्छा बच्चा है, कलर वलर का भी अच्छा है और थोड़ा ये एक्टिव दिख रहा है तीनों में से। ठीक है, 18,000 रुपये भाई इसका प्राइस डिमांड कर रहे हैं और ये दोनों का 15,000 रुपये मांग रहे हैं। बाकी कम ज़्यादा जो भी है आप इधर आ सकते हो। ये H2 वाला गाला नंबर 5, यहाँ पर ही बैठे रहोगे ना? ठीक है, जिसको भी लेना है यहाँ पे आप आ सकते हो। 18,000, 15,000 रुपये नेगोशियबल प्राइस। ये वाला मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ये 14 तक के भी अगर दे दिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। 45 kg बनने वाली चीज़ है, झालर वगैरह अभी से अच्छा बच्चा है। तो गाइस इधर एक ये बकरा है और सोजत में है, थोड़ा देसी सोजत में बोलूँगा मैं, झालर वगैरह अच्छी है। ठीक है, वजन में 45-50 kg के आसपास। मत टच करो। ठीक है, और प्राइस का 22,500 रुपये डिमांड कर रहे थे। ठीक है, इधर है एक 60,000 की जोड़ी, ये देखिए अजमेरा में अच्छी हाइट की है, वजन में भी 60 तक के रहना चाहिए, 60,000 की जोड़ी मांग रहे हैं। ठीक है, और ये वाला 22,500 का, वो 60,000 की जोड़ी, थोड़े पेट लगा हुआ है, बाकी जानवर अच्छे हैं, हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत गर्म है, 22,500। तो गाइज इधर ये एक कोटे में बकरा है। ठीक है, प्राइस नहीं मालूम क्योंकि कोई व्यापारी वगैरह है नहीं, बट जानवर अच्छा लगा, कान की लेंथ वगैरह बहुत ज़बरदस्त है इसकी। भाई कान ज़रा खोलो ना, इसके समझ में आएंगे। ठीक है, दांतों में रोहित भाई एग्जैक्ट 4 ना, पीछे वाला भी अच्छा है आज मेरा, इसके लिपस्टिक लगी हुई है, वो कलर लगे ना। ये माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा ही है, अगर वो रख के अच्छे से ध्यान देना भाई बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अभी 45-50 kg तक के रहना चाहिए। ये रहेगा मेरे हिसाब से 44 होगा। पाया वाया भी मजबूत है, माशाल्लाह मजबूत है, ये भी गंदा हो गया, वो भी अच्छा पीछे वाला। ठीक है, प्राइस के लिए आपको आना पड़ेगा, ये कंटेनर सामने है, इसके एग्जैक्ट सामने दांत खोला है ना, S4 वाला गाला नंबर 3। तो गाइस इधर 2 बकरे हैं, एक ये है अच्छी हाइट में है। रोहित भाई दांत देखो ज़रा, 4 दांत। ठीक है, और एक ये वाला है, प्राइस क्या बोले थे भाई इसका? 14। और इसका इसका कितना है प्राइस? 16,000 रुपये, 16,000, 14,000। माशाल्लाह अच्छे बकरे, दाती है दोनों भाई। नंबर 8879241745। इससे पहले भी कहीं शूट करवा चुके आप पहले वो चैनल पर? हाँ भाई करवाते हैं ना। ठीक है, मार दिया है। यहाँ पे मक्की चीना बोलते जिसको, गुजरी, मक्की चीना गुजरी में, मक्की चीना सोजत में भी आते हैं और गुजरी में भी आते हैं, तो ये गुजरी है। ठीक है, माशाल्लाह बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, थोड़ा पीछे लो ना उसको, कलर कॉम्बिनेशन के माशाल्लाह दोनों जोड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके साथ में एक ये भी है, बट ये अलग है गुजरी टाइप में। ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों का प्राइस है 22,500 रुपये, जोड़ी मांग रहे हैं, इसमें भी नेगोशियबल हो जाएगा। ठीक है, ये लोकेशन बता दूँ, S5 वाड़ा गाला नंबर 3, S5 गाला नंबर 3 में। थोड़े डाउन है बच्चे, अभी ट्रैवलिंग के है, सर्दी में है, डाउन है भाई, और कान नहीं तो नॉर्मल है। ये वाला सही है, अंदर से कफ है वो वाले को, ये वाला सही है, अंदर वाला कफ है और कफ जल्दी बढ़ भी सकता है, बराबर है बच्चे, लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। रोहित भाई मुझे ना लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि
यूट्यूब पे के प्राइस हमने बढ़ा दिया है, जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो आजकल सब बोला आप लोग के वैसे हो रहे हैं कि आप लोग ने यूट्यूब चालू किया तब से ये सब चीज़ होना ज़्यादा बड़े उस पर हो रही है, तो आपका क्या बोलना है इस पर? पब्लिक यूट्यूब पे वीडियो बना रही है ना उन लोग, भाई रेट तो देखो पहले से हाई था, एक बार तो किसने नोटिस नहीं किया है, तब से लॉकडाउन लगा पब्लिक, हम लोग की गलती है इसके अंदर, यूट्यूबर लोग की गलती नहीं, हम जो है ना पब्लिक खरीदती उन लोग की गलती, 450 रुपये के हिसाब से किलो पर मिल रहा था बकरा तो क्यों लिया, तब लेना नहीं चाहिए था, प्राइस इतना बढ़ता नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नोटिस नहीं किया रहेगा, ठीक है कुर्बानी का चलो लोग कुर्बानी में ले लेते, पर लॉकडाउन में वो टाइम पे नहीं लेते ना बकरे तो आज इतना प्राइस हाई नहीं होता। बराबर, मेरे को ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर वो टाइम पे ना बकरे थे ही नहीं किसी के पास, इसके पास थे बहुत महंगे बेच रहे थे। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं, मिलने का कुछ भी नहीं है, शौक बढ़ा रहे ये हो रहा है और लोग हमको उल्टा कमेंट करके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, दिखता नहीं जो स्ट्रगल दिखता है। नेगेटिव कमेंट्स अब मैं कमेंट्स में ना रिप्लाई करना ही छोड़ दिया हूँ, जितने कमेंट्स ऐसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ लाइक करके, बस क्या रिप्लाई दूँ क्या बोलूँ समझ में नहीं आता, ऐसा मॉरल इंसान को और डाउन हो जाता है इस सब चीज़ से। 12:30 बजे से आया हूँ, अभी 2:30 से ऊपर हो गया टाइम भाई, ऊपर अगर बकरे ढूंढ रहा हूँ 4-5-6 हज़ार के, अब पता कोई भी यूट्यूबर कोई भी क्रिएटर ना भाई बकरे इतना ढूंढता नहीं कोई भी, ढूंढ रहा अभी निकलने का टाइम हो गया बस निकल जाएंगे 5-10 मिनट। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं से मतलब वीडियो एंड ही करना था तो मैं बोला ये सवाल करते हुए चलो, वो प्राइस ना भाई वो पीरो के हिसाब से बढ़ने लगा है, तब लॉकडाउन में तब प्राइस 450 रुपये के बकरे बिक रहे थे, आज के टाइम पे ऐसा होगा यहाँ बंद गुजरी और सोजत के जो बकरे हैं ना वो भी 15-15-20 हज़ार में पब्लिक दे रहे थे बेच रहे, ठीक है वो बकरे ना भाई 8,000-7,000 में पालते थे लोग, 2019 की बात कर रहा, अब से लॉकडाउन लगा तब से भाई प्राइस हाई हो गए, तो सब किलो पे बेचने लग गए, घर कोई भी बम्बे वाला जा रहा है जंगल में बकरे ले रहा है 4-5 लाख का माल ले रहा है, एक शेड बनाया उसके अंदर 450 बेच रहा हर जगह, तो इसके अंदर प्राइस हाई हो गया फिर। चलो ठीक है, लोगों का अपना ओपिनियन है, जो बोलता है बोलने अपने को जो करना अपन किलो के हिसाब से का काम है शूट करना अपन वो ही करेंगे, ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह मिलेंगे अभी ट्यूसडे के व्लॉग में, रेगुलर वीडियोज़ आते रहेगी बीच में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।